टेलीविजन के सबसे चर्चित और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 15 की शुरुआत से ही कंटेस्टेंट्स लगातार दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। हालांकि पहले ही दिन घर वालों ने एक दूसरे पर अपना पहला इम्प्रेशन बताकर हमला बोल दिया था, लेकिन प्रतीक के घर में आने के बाद से घर का माहौल थोड़ा और गर्मा गया है। जहां अब जंगल में रहने वाले कंटेस्टेंट्स करण कुंद्रा ने अपनी गेम स्टार्ट कर बिग बॉस के आलिशान घर में रह रहे लोगों को खुलेआम चुनौती दे दी है, तो वहीं अब दो जंगल वासियों के बीच प्यार पनपता दिखाई दे रहा है। बिग बॉस के घर में जहां सभी घर वाले आपस में लड़ रहे हैं, तो वहीं घर में एक नए प्यार की कहानी की शुरुआत हो रही है। बिग बॉस के घर में इन दिनों ईशान और मायशा की नजदीकियां देखने को मिल रही हैं। दोनों का हाल ही में एक प्रोमो सामने आया, जिसमें ये दोनों एक साथ न सिर्फ बैठे हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे हैं, बल्कि हर काम एक दूसरे के साथ ही करते नजर आ रहे हैं। इन दोनों की ये केमिस्ट्री घर वाले भी काफी इंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी मायशा को खाने के लिए छेड़ती हुई नजर आती हैं कि उन्होंने कहा कि दोनों लोगों का खाना दूं या सिर्फ एक का, जिसे सुनकर मायशा ब्लश करने लगी। विधि ने तुरंत ही कहा आप दोनों एक ही प्लेट में खाते हो, तो वही करण ने भी छेड़ते हुए कहा कि दोनों बेंच पर ही सो सकते हैं। जय ने दोनों को टीज करते हुए कहा कि पहले मायशा दुखी रहती थी, अब मायशा खुश रहती है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम ऐसे ही चुंबक की तरह चिपके रहो। घर वाले भले ही इन दोनों की इस केमिस्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग मायशा को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, मायशा किसके साथ है, प्रतीक, सिम्बा या फिर ईशान? दूसरे यूजर ने लिखा, ईशान, सिम्बा और उमर सब एक लड़की के पीछे और लड़की प्रतीक के पीछे। अन्य यूजर ने लिखा कि दो दिन में प्यार कैसे हो गया। लोग इस प्रोमो को देखने के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं। दरअसल मायशा और प्रतीक दोनों ही बिग बॉस 15 का हिस्सा हैं। जब प्रतीक के घर में एंट्री होने वाली थी, तो उस दौरान मायशा ने बताया था कि वो प्रतीक को काफी समय से जानती हैं। इन दोनों के लव रिलेशंस की खबरें भी सोशल मीडिया पर काफी उड़ी थी, जिसके बाद अब प्रतीक घर में आए तो दोनों ने अपने मामलों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लोगों को लगा कि मायशा और प्रतीक के बीच सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि ईशान के करीब आने के बाद मायशा और प्रतीक के बीच दूरियां काफी बढ़ गईं और दोनों ही अक्सर बिग बॉस के घर में एक दूसरे को ताने देते हुए नजर आते हैं। लेटेस्ट अपडेट और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्क्रिप्ट पास और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं बेल आइकन। और हाँ, आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जाकर अपनी राय जरूर बताएं।